इच्छा का बीज होगा तो जन्म होगा याद रखना ये बात है भले ज्ञान सुनते रहो तुम भले सेवा करते रहो तुम मन में अगर इच्छाओं को जगह दे रखी है तो हर इच्छा एक बीज है हर बीज एक वृक्ष बनेगा हर एक इच्छा की पूर्ति के लिए एक एक जन्म लेना होगा कोई जन्म देता नहीं है जीव सनातन है जीव सनातन है चली आ रही है जीव को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया ना ईश्वर और जीव दोनों एक से ही हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों सनातन हैं, दोनों अजर अमर हैं दोनों अविनाशी हैं बस फर्क इतना ईश्वर नित्य मुक्त ज्ञानी है और जीव जो है इसके साथ अज्ञान चिपटा हुआ ईश्वर को अभी अप, कभी अपना स्वरूप भूलता ही नहीं जीव को याद रहता नहीं तो जीव मतलब अज्ञान सहित है ईश्वर मतलब अज्ञान रहित अब जीवों में जन्म लेने वाले कुछ ईश्वर कोटि के होते हैं मनुष्य दिखेंगे मनुष्य जैसे है वो ईश्वर कोटि के तो ज्ञान के सही पैदा होते गुरु नानक कोई गुरु नहीं ज्ञान है किसने दिया उनको ज्ञान कबीर कोई गुरु नहीं ज्ञान है किसने दिया स्वामी रामानंद एक संभल एक एंकर थे उनके पर रामानंद मूर्ति पूजक थे कबीर तो है ही नहीं अगर कबीर रामानंदी हो जाते तो लंबा खड़ा तिलक लगा के राम जी की मूर्ति के आगे घंटी बजा रहे होते पर वो तो ऐसे है नहीं लेकिन ये सत्य है कि जीवन के प्रारंभिक काल में स्वामी रामानंद का कबीर से बहुत प्यार था कबीर का उनसे बड़ा प्यार था बहुत स्नेह था बहुत प्यार था किसी ने एक बार कबीर से यह प्रश्न भी किया था आप तो मूर्ति पूजा करते नहीं गुरु आपके करते हैं और इतना कड़ा बोलने वाले कबीर कहते वो साहेब की मौज जो वो करें ये उनकी मौज है विचारधारा और फिलॉसफी के अनुसार देखें तो रामानंद कबीर के गुरु कहीं से भी नहीं दिखते लेकिन कबीर साहब के जीवन में एक बड़ा उनका प्रभाव एक बड़ा उनका असर एक बड़ा उनका मीठा प्रेम का रिश्ता था तुम तो कह भी सकते हैं कि वो उनके गुरु हैं लेकिन उनके दर्शन उनके उपदेश के अनुसार अगर देखें तो ये सत्य नहीं है बिल्कुल भी सत्य नहीं है कभी कभी कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो किसी रिश्ते के खांचे में फिट ही नहीं होते आप उन्हें नहीं, नहीं कह सकते ये ये रिश्ता है, पर होता है कुछ तो ये ईश्वर कोटि के महात्मा होते हैं सुखदेव जी हैं अष्टावकर जी हैं ऋषि पतंजल हैं वेद व्यास हैं अत्री हैं दधीची हैं ये ईश्वर कोटि के माने जब इनके ए, मन बुद्धि ने अंगड़ाई ली और शरीर के साथ जैसे ही व्यवहार शुरू हुआ तो इस व्यवहार करने वाले मन और बुद्धि में कोई अज्ञान था ही नहीं ऋषि मारकंडे ये ईश्वर कोटि के जन्मे नहीं थे परंतु साधना और तपस्या के द्वारा आपने ईश्वर कोटि में जगह बना ली थी तो जो जीव है अज्ञानी ही होता है और अज्ञान जड़ है समस्त इच्छा वासना तृष्णा की चित्त में देखो आपने कैसी कैसी इच्छाएं हैं नहीं है। कैसी कैसी वासनाएं पूरी नहीं कर पाओ बात अलग है पर वासना कहते ही उसको है जो कभी पूरी ना हो अन्यथा उसे हम इच्छा ना कह देते जो पूरी हो सकती कितनी वासनाएं कितनी आसक्तियां हैं सबसे बड़ी आसक्ति अपने शरीर से है घर में आग लग जाए भाग के बाहर आ गए बाहर आके चिल्लाते तो, तो पता ही नहीं चला बस भाग लिए मेरा बच्चा अंदर है मेरा सोना अंदर है मेरा कपड़ा अंदर है तो सबसे ज्यादा प्यार तुम किससे करते हो अपनी जान से भारत के किन्हीं गरीब प्रदेशों में अक्सर सुनने को आता है गरीबी के कारण मां बाप अपना बच्चा बेच देते हजार रुपए के लिए लड़की बेच दी पंद्रह सौ के लिए लड़का बेच दिया दे दिया अब उसका क्या होगा क्या नहीं होगा उन्हें कोई अनुमान नहीं है लेकिन अपने आने वाले दस दिन वो भूख से सताए न जाएं भूख से मर न जाएं अपनी बच्चे को बेच देते तो तुम्हें बेटी प्यारी है? ना बेटा प्यारा ना जान प्यारी सब कुछ इस जान के लिए एवरीथिंग अराउंड दैट फॉर दैट पुरानी इच्छाएं अभी गई नहीं है नहीं, नहीं और पाल लेते हो मैं ये कर लूं मैं वो देख लूं मैं ये पालू मैं वहाँ चला जाऊँ मैं ये भोग लूँ मैं ये खा लूँ मैं ये पी लूँ वो कपड़े बड़े अच्छे हैं वो देश बड़ा अच्छा है वो शहर बड़ा अच्छा है दुनिया ही बड़ी अच्छी प्यारे तो जहाँ दुनिया अच्छी है तो फिर उसी दुनिया में जन्मने में क्यों कष्ट होगा तुम्हें पर आज सुबह में मैं बात कर चुकी हूँ कि जब गर्भ में रहोगे तो गर्भाशय शिशु को जो कष्ट होते हैं वो भोगने पड़ेंगे जब जन्म होएगा तो जन्म में वो भी कष्ट भोगने पड़ेंगे जन्म वाले दिन से लेकर अगले दस साल तलक तो निश्चय ही माँ या पिता पर आश्रित रहना पड़ेगा फिर जैसे भी वो होंगे वैसे को भोगना पड़ेगा बाप दुराचारी हुआ तो भोगो माँ दुराचारिणी हुई तो भोगो देखिए हम चाहते सब अच्छा अच्छा है कोई दुनिया में दुख नहीं चाहता सब सुख ही चाहते पर सुख के चाहने पर भी क्या सबको सुख मिल जाता है सुख मांगने पर भी क्या सबको सुख की अनुभूति हो जाती है नहीं होती है। क्यों सुख अर्थ है पुण्य दुख अर्थ है पाप अच्छा जो करते समय मीठा लगे पर फल जिसका कड़वा हो करते समय कड़वा लगे फल पर मीठा हो वो शुभ कर्म होता है करते समय सहज लगे फल कड़वा इसी को अशुभ कर्म कहते हैं अब नींद त्याग के सुबह जल्दी उठना शुभ कर्म है मुश्किल है सुबह उठ स्नान करा आसन प्राणायाम करना मुश्किल है बड़ा मुश्किल है और देर तक सोए रहना बड़ा सुखद है सोना पाप नहीं है सोना अशुभ कर्म है नहीं है पर जागते तो शुभ कर्म करते ना तो सोए ही रह गए तो शुभ कर्म की क्या बंदिश नहीं लग गई सोना अशुभ नहीं है सिर्फ जाग जाना शुभ नहीं है सुबह अखबार बेचने वाले साढ़े तीन बजे घर से चले जाते हैं साढ़े चार बजे वो सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां वो अखबार लेते हैं फिर घर घर फेंकना होता है उनको छह बजे तुम्हारी अखबार तुम्हारे दरवाजे पे पहुंच जाती है जिसने पहुंचाया वो कितने बजे उठा होगा फिर जिस शहर से छपी उसको कारों में बसों में ट्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो लोग तो रात भर जागे तो क्या उनका रात भर जागना शुभ है सिर्फ जागना ही काफी नहीं होता जाग के तुम क्या करते हो what do you do that doing will make it pious or sinful just waking up 4 o'clock is not pious enough you wake up and then you do your asan pranayam and then you clean up your mind and body and then you do all what is needful all spiritual practices now this will make your morning a pious a great virtuous thing दिस विल बी डिफिकल्ट टू डू बट इट्स रिवॉर्ड विल बी मीठो स्वीट परिभाषा समझ लेना जो करने में मुश्किल लगे और उसका फल अमृत हो वही पुण्य कर्म है जो करने में तो बड़ा सरल है अब झूठ बोलना सरल है मैं सच बात कहती हूँ मुझे तो हैरत होती है मैं तुलना नहीं कर रही हूँ अपनी तुम्हारे साथ लेकिन मैं जब ये देखती हूं लोगों का आचरण देखो दूर रहते हो ना आए मिले दो चार दिन रहे चले गए अब तुमको क्या अवसर होगा झूठ बोलने का पर जब मेरे पास यहां रहोगे तो निरंतर तुम पे दृष्टि रहेगी और कोई कार्य दिया वो नहीं किया और पूछे गए तो जान बचाने को एक ही चीज आती हुए झूठ बोलो और उतने बार पकड़ भी लेते फिर कई बार लगता अब क्या बोले ऐसे ऐसे कारनामें कभी कभी होते है तो लगता आप करें भी क्या मूड है मूड को डांटोगे तो मूड डिप्रेशन में चला जाएगा तो कहो भी कुछ मत पर कहो नहीं तो वो सुधरेगा कैसे सुधारने को कहो तो सुनना कठिन हो जाता है तो झूठ मैं ये देखती हूं मैं अपनी बात कहती हूँ चार से पांच वर्ष की आयु से संतों को देखती हूं संतों का घर में आना जाना था नौ साल के बाद से खुद संतों के जाती थी तो जब भी किसी महात्मा के किसी संत के उसमें कुछ ग्रस्ती संत थे उसमें कोई ए, सन्यासी संत थे तो जब भी उनके पास जाना तो ये एक बात मन में बैठी हुई थी कि ये हमारे बारे में सब कुछ जानते ना केवल इस जन्म का वो तो पूर्व का भी जानते हैं और आगे का भी जानते क्या ये हम वंदना गुरु की नहीं करते गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु तुम तो बोलते हो हम अनुभव करते थे विष्णु है गुरु अगर शिव है तो क्या शिव की तरह उनके पास उनकी तीसरी दृष्टि नहीं है हम कोई बात बोलेंगे तो उस बात के पीछे मेरा भाव क्या है क्या वो नहीं जानेंगे नहीं जानेंगे क्या बुद्धू बनाएंगे हम उनको सोच भी नहीं सकते संत मैंने साक्षात ईश्वर के सन्मुख जा रहे हैं प्रेम और भाव से भरे हुए मन के साथ एकदम रोम रोम पुलकित हो जाता है आज भी किसी महात्मा को मिलते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है जिनका एक दर्शन लाखों मंत्र जब से अधिक पुण्यवान है जिनका एक दर्शन जन्मों के पुण्य किए हों तो मिलता हो ऐसे की सोहबत ऐसे की संगति ऐसे सदगुरु का दर्शन हृदय आनंद से भर जाए कि सेवा का अवसर मिल जाए कि उनके कपड़े धोने तुम सोच नहीं सकते हमें तो रोती थी महात्मा जी के कपड़े मुझे क्यों नहीं मिले दूसरे को मिल गए मुझे क्यों नहीं मिले क्या हम इतने पापी हैं हमें कपड़े भी नहीं मिल सकते तो मैं पूछती थी माता जी से पूछती थी माता जी मुझे क्यों नहीं दिए तो कहते बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो उनके बड़ा बड़ा धोती कुर्ता तुम नहीं धो सकोगे फिर एक दिन उन्होंने मुझे छोटा सा तौलिया दे दिया बोले तुम चलिए धो लो अब आता था नहीं अकल थी नहीं तुमने सिखाया कैसे गीला करो कैसे साबुन लगाओ कैसे मलो रंग न निकले ठंडे पानी में धो गरम में नहीं डालते हैं अब जब मैं तौलिया लिए ना तो वो तो तौलिया में भी खुशबू लग रही है ये नहीं कि महात्मा खुशबू लगाते ना उस तौलियों में खुशबू लग रही है इतनी प्यारी प्यारी खुशबू ऐसे नाक पे रखे रखे रात को मैं सो गई सुबह उठते हैं मन ही नहीं कर रहा कि, क्योंकि दो दिया तो वापिस देना पड़ेगा फिर धोना तो है क्योंकि देंगे तो कोई अगली सेवा मिलेगी फिर धोया फिर सुखाया फिर तौलिये को प्रेस किया क्योंकि ये मैंने देखा कि वो उन तौलिया भी प्रेस उनका कर ऐसा नहीं वो चाहते थे लेकिन भाव से लोग उनके लिए करते थे तो जो सेवा कर रहे थे वो उनको देखती थी क्या करते हैं तो प्रेस किया सुंदर तह लगाए तो बराबर कोने मिले हुए होने चाहिए आड़े टेढ़े टोटली अटेंटिव कि एक धागे से धागा मिला हुआ हो कोने से कोना मिला हुआ तह लगाई अब ऐसे ही थोड़ी ले जाएंगे अब रास्ते में मिट्टी है धूल है घर से आश्रम जाते जाते तो उसको फिर किसी साफ कपड़े में रखना हाथ में ले जाना और जा करके फिर कपड़े में से निकाला और उनको दे दिया ताकि वो जहां भी अलमानी में रखें तो वो संभाल लेंगे एक तौलिया की सेवा काफी ऐसे वो खुशबू अंदर तक बस गई कि मुझे तो कई दिन अपने सिराने से लगे वही खुशबू है वही वही खुशबू आ रही जैसे बस ही गई है सदगुरु का दर्शन सदगुरु की सेवा और भोजन बनाने को मिल जाए आता नहीं था मैंने भोजन बनाना सीखा ही इसलिए ताकि संतों के लिए भोजन बना सकूं। और जब बनाऊं तो उनको अच्छा लगे और वो खाएं तो बस उनको खाते देख देख मन प्रसन्न हो हमने कोई कुकरी क्लासेस नहीं करे सिर्फ देखा वो क्या पसंद करते पूछा सुना समझा फिर जिनको आता उनको देखा वो कैसे करते हैं अब मन में करोड़ों विचार चल रहे हों देख के नहीं सीख सकोगे एकांग्र था चाहिए तो झूठ तो सोच भी नहीं सकते माने स्वप्न में भी नहीं पर आजकल के चेले देखती हूं मैं ये बात तो उनमें नहीं है ना ये समर्पण उनमें नहीं ये भावना देखिए खेल सारा भावना का है आप भावना करें तो पत्थर में भी भगवान है पत्थर है पर भगवान है जो पत्थर में भगवान की भावना करके हम पत्थर को भगवान बना सकते हैं तो यहां तो साक्षात भगवान मनुष्य रूप में सामने बैठे वहां तो भावना भी नहीं करनी वो तो है वो तो है और सच ये कि ये भावना अंदर जग जाए ये श्रद्धा ये प्रेम चित्त में जग जाए उसको अलग से कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि मन को शुद्ध करूं, मन शुद्ध होगा तभी ये होगा और ये होगा तो मन और शुद्ध हो जाएगा और जब मन पूरा शुद्ध होता है तो ही वो ज्ञान का अधिकारी होता है श्रद्धा लभित ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय है गुरु टीचर नहीं कि पैसा दिया और कोर्स पूरा कर लिया वो शिक्षा बेच नहीं रहा है ज्ञान देता है तो ज्ञान का अधिकारी कौन जिसके चित्त में श्रद्धा है जिसके चित्त में एकाग्रता है जिसके चित्त में समता है जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है जिसके मन में सांसारिक विषय भोग की लालसा नहीं है ये हुआ अधिकारी मन में करोड़ इच्छा रख के बैठा है मन में कूड़ा अरे भाई गंदी जगह में तो कुत्ता नहीं बैठता कुत्ता भी साफ जगह ढूंढता जैसे तुम गंदी जगह हो कचरे के डब्बे में जाके थोड़े बैठ जाओगे उसके पास भी ना खड़े हो इंतजार करना पड़े तो दूर खड़े हो तुम्हें कचरा पसंद नहीं गंदी जगह तुम नहीं बैठते हो तो ईश्वर का अवतार प्रेम है तो क्या ईश्वर का प्रेम अवतार गंदे मन में होगा असंयमी भोगी तृष्णा वासना में डूबे हुए वाले मन में होगा ना वो मन सत्संग सुन सकता है वो मन किताबें पढ़ सकता है वो वेदांत के कोर्स कर सकता है वो मेडिटेशन के कोर्स कर सकता है लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होगी क्योंकि प्राप्ति की जो तो शर्त है वो शर्त तुम पूरी ना करो तो इस प्रकृति का विज्ञान इतना सक्षम है उसको कोई धोखा नहीं दे सकता यू कैन नॉट डिसीव गुरु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए गुरु गीता में जो महादेव और देवी उमा के मध्य का संवाद है उसमें एक पूरा प्रकरण एक पूरा चैप्टर इस विषय पर है जिनने इसको नहीं पढ़ा या सुना है वो जरूर पुस्तक रूप में एम पी थ्री में जो भी मिल जाए वो लीजिए उसको पढ़िए उसको सुनिए कि गुरु के सामने व्यवहार कैसे करना चाहिए कैसे व्यवहार करें कैसे बैठे कैसे आपके अंदर ये प्रेम का चुंबक आ जाए कि गुरु बड़े चुंबक को आप छोटे चुंबक के साथ रख दो तो छोटे चुंबक की पावर भी बढ़ जाती स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने इस लोहे जैसे मन को कुछ तो उस चुंबकीय व्यक्तित्व के करीब रखो लेकिन अगर आप लोहे के टुकड़े पर प्लास्टिक लपेट दो और फिर उसको चुम्बक पर रख दो तो सौ साल रखे रहो तो भी लोहे को कोई प्रभाव नहीं आएगा अनावरण होना चाहिए विदाउट एनी कवर रखिए लोहा चिपक जाएगा उसके साथ चिपके चिपके में उसकी अपनी प्रकृति बदल जाती है तो जन्म होता है इच्छा के कारण वासना के कारण और कबीर कह रहे बौर हम काहे आवेंगे क्यों आऊंगा मैं मैं मन में आ, मन में जो प्रगटाव हो रहा है जीव का ये क्यों होगा क्योंकि अब तो ऐसे हो गया है कि जैसे समंदर में जल है उदक समुंद समुद्र में उदक उदक मैंने जल समंदर में जल है इसी जल से बूंद बनती है इसी जल से लहरें बनती हैं तो एक लहर वो जो ये भूल गई कि वो पानी से अलग नहीं है एक लहर वो जो ये समझ गई मैं पानी रूपी हूं जो लहर यह समझ गई कि मैं तो सागर रूप हूं उदक स्वरूप समुंदर रूप हूं वो खेलती है समुद्र में खेलती है और खेल के उसी में समा जाएगी लहर को अगर अज्ञान हो जाए कि पानी पता नहीं कहां है मैं पानी को ढूंढ लूं कहाँ ढूंढने जाए लहर पानी कितने दूर चल के जाए कि उसको जल मिल जाएगा पानी में ही तो है पर लहर भूल गई पर लहर को कहो ज्ञान हो गया और लहर को समझ लग गई रे मैं तो जल ही रूप हूं मैं ही तो सागर हूं क्या होगा नदी तरंग समावेंगे ये ये नदी की तरंग ये समंदर की तरंग ये लहर उसी में उत्पन्न होती उसी में समा जाती है तो सुन मिलिया मिलया से ऐसे ही कबीर कहते हैं मैं शून्य स्वरूप हूं सुन को अगर हम हिंदी में ले जावे तो वो शून्य हो जाएगा अब शून्य का अक्सर लोग अर्थ करते हैं एम्टिनेस विच इज रॉन्ग एमटीनेस इज ए साइन ऑफ फुलनेस कभी आपने देखा कि स्टील का गिलास पूरा भरा हो और दूर पड़ा हो तो लगता है खाली है पर उठाया तो उसमें जल था भरा हुआ लबालब मटका हो दूर से देखो नहीं पता चलेगा ढक्कन उठा अंदर जाकर अरे तो भरा हुआ है खाली कहें भरा कहें नेगेटिव कॉनोटेशन होगी तो कहेंगे खाली है ऐसे एग्जाम्पल में देती हूँ एक कमरा है जिसमें कोई फर्नीचर नहीं पलंग नहीं कारपेट नहीं पेंटिंग नहीं फोटो नहीं कुर्सी नहीं मेज नहीं कुछ नहीं हम ये भी कह सकते हैं कि कमरा खाली है और हम ये भी कह सकते हैं कि कमरा आकाश से भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विद स्पेस नाउ व्हाट डज द वर्ड रूम मीन्स रूम मीन्स स्पेस